हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज, आप देख रहे हैं टेक्निकल मनोज टीवी। दोस्तों, अगर आप भी अपना टिकट रेलवे स्टेशन पर बने रिजर्वेशन सेंटर यानी कि पीआरएस काउंटर से बुक करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको रेलवे के पीआरएस काउंटर के बारे में एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशन पर बने रिजर्वेशन सेंटर यानी पीआरएस काउंटर के सॉफ्टवेयर में एक बड़ा बदलाव किया है। ये क्या बदलाव है और ये किस तरह आपको इफेक्ट कर सकता है, इसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे की सभी अपडेट दी जाती है और टिकट बुकिंग में होने वाली सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, 1 जून से अनलॉक के बाद देश भर में 200 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। लगातार संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने ट्रेनों में आने वाले लोगों के गंतव्य से जुड़ी सभी जानकारी साझा करने के लिए कहा था। इसके बाद रेलवे के पीएसयू सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस ने आईआरसीटीसी के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है। ऑफलाइन रिजर्वेशन चालू होने के बाद पीआरएस के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया। इसके चलते अब स्टेशनों पर रिजर्वेशन कराने के लिए आने वाले लोगों को अपने गंतव्य से जुड़ी पूरी जानकारी रेलवे को देनी होगी। दोस्तों, अभी तक फार्म भरते थे तो अपना एड्रेस भरते थे, जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस भरते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी आप जहाँ जाएंगे वहाँ का पूरा एड्रेस भरना पड़ेगा। दोस्तों, रिजर्वेशन फार्म में अब यात्रियों को अपना मोबाइल नंबर वही देना होगा जो मोबाइल नंबर लेकर यात्रा करेंगे। इसके साथ ही उन्हें डेस्टिनेशन स्टेशन के बारे में भी रिजर्वेशन क्लर्क को बतानी होगी, और साथ ही उस शहर में जाने की वजह भी फार्म में बताना होगा। दोस्तों, डेस्टिनेशन एड्रेस में आप अपना पूरा पता जैसे कि मकान नंबर, गली, कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देना पड़ेगा। इस तरह फ्रेंड्स, आप रिजर्वेशन टिकट बुकिंग करते टाइम फार्म में इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि टिकट बुकिंग में कोई समस्या ना हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।